हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पहाड़ों पर कहर ढाने के बाद अब बारिश ने उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में असर दिखाना शुरू कर दिया है। राजधानी दिल्ली पहले ही बाढ़ बारिश का सामना कर रही है, तो वहीं अब उत्तर प्रदेश में भी इसका असर दिखना शुरू हो गया है। यूपी के कई जिलों में इस समय बारिश तबाही मचा रही है। वाराणसी और प्रयागराज में घाट डूबने लगे हैं। घाट के पास बने छोटे मंदिर पहले ही डूब चुके हैं। राज्य में बारिश से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में पिछले 24 घंटे में अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है। रामपुर में डूबने से 2 लोगों की मौत हुई है। वहीं बलिया, महोबा, ललितपुर में बिजली गिरने से 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इसके अलावा सुल्तानपुर में सांप काटने से 1 शख्स की मौत हो गई है। बात बनारस की हो तो बनारस में लगातार पानी बढ़ रहा है, जिस वजह से लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। यहाँ के पुजारी और स्थानीय निवासी अपनी अपनी समस्याएं बता रहे हैं। ये सच्चा बाबा घाट है और प्रतिदिन 1 फुट की जो है ऊंचाई से जो है जल बढ़ रहा है, और इस समय जितने यात्री निवास घाट पर बने हुए वो सब डूब चुके हैं। हाँ, अब जैसे जैसे जल बढ़ रहा है उस रफ्तार से जो है धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं। सच्चा बाबा आश्रम घाट है, घाट पर जो है जितनी भी ये यात्री निवास वाली बारादरी बनी हुई है ये सब जल में समाहित हो चुकी है। स्नार्थियों को नहाने के लिए जो है बैरिकेटिंग लगाई गई है, उसके अंदर रह के जो है स्नान किया जा रहा है। इसमें सावन का पवित्र मास चल रहा है, मास में बहुत सारे गंगा माँ के श्रद्धालु जो है आ रहे हैं और स्नान करके पूर्ण की डुबकी लगा रहे हैं। यूपी में मानसूनी बारिश का दौर जारी है। हरिद्वार से करीब 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद यूपी में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। मेरठ में शाम को हुई 3 घंटे की जोरदार बारिश से निचले इलाकों में 2-2 फुट पानी भर गया है। आपको बता दें कि इससे कानपुर भी अछूता नहीं रहा है। कानपुर में भी लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, लगातार बारिश हो रही है, इससे लोगों को समस्याएं भी हो रही हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं कानपुर के निवासी लोग और कैसे बता रहे हैं कि गंगा अपना रूप धारण कर रही है। कल से आज तक करीब 5 इंच पानी बढ़ा है घाटों पे, पानी आ चुका है यहाँ पे। हाँ, मतलब 5 इंच रोज बढ़ रही है, थोड़ा थोड़ा रोज बढ़ रहा है धीरे धीरे। सभी घाटों पे हमने पुलिस कर्मियों को रहने को कहा है और हमारा प्रयास होगा कि गंगा के इस जल स्तर में लोग तैरने के लिए, नहाने के लिए, मौज मस्ती के लिए अथवा ऐसे किसी कार्य के लिए ना जाएं। यह समय कानपुर नगरवासियों से अपील करता हूं, घाट पे जो लोग हैं मैं उनसे भी अपील करता हूं कि वो इस तरह की चीज़ों की, इस तरह की मनोवृत्तियों को रोके और इसे जो है हतोत्साहित करे। सबका एक दूसरे को रोकना और गंगा में स्नान के लिए जो है तैरने के लिए या अन्य प्रकार की क्रीड़ा गतिविधियों के लिए मुझे नहीं लगता कि जाना बेहतर। तो फिलहाल आपको कैसी लगी हमारी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताइए। वहीं अगर आप वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube में हमें सब्सक्राइब करिए। Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।